भैया ऐसा है कि जवान के हेरा फेरी के चक्कर के अंदर ना बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। सारी डेट्स ऊपर नीचे हो गए, कौन सी मूवी कब रिलीज हो रही है। अब देखो ये जितनी भी मैं मूवीज के बारे में आपको डेट्स बताने वाला हूँ, इनके एक्टर्स के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और डेट्स के बारे में सिर्फ बात करते हैं, ताकि आपका जो रुझान है वो डेट के ऊपर फोकस हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस हो कि आपके जो फेवरेट स्टार हैं उनकी मूवी राइट टाइम पे रिलीज भी हो रही है कि नहीं हो रही है, ना कि मूवी के ऊपर बात करें। क्योंकि जो 15-20 मूवीज में एंड ऑफ द ईयर तक की बात करने वाला हूं, आपको ऐसा फिर लगेगा कि ये तो 4 घंटे का वीडियो हो गया, क्योंकि अगर हर एक के बारे में बात करने लगे तो। लुका छुपी, जिसके अंदर सारा अली खान है और साथ में विकी कौशल आपको देखने को मिलेंगे, ये लुका छुपी 2 आपको 2 जून को देखने को मिलेगी 2023 के अंदर। ये पहला जो स्लॉट था जवान का था वो क्लियर हुआ, तो ये फिट एंड होगी और ये थिएटर में आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी इसका टीजर ट्रेलर आएगा, लेट्स सी ये किस तरीके की एक रियल कहानी होगी जो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। वहीं बात आदि पुरुष बहुत डिटर्मिंड है कि हम 16 जून को ही आएंगे और बहुत ही जल्दी 2 दिन के अंदर इसका ट्रेलर भी आने वाला है। लुक एंड फील से ऐसा लग रहा है कि इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, अगर इंप्रूवमेंट्स हुई हैं दिस मूवी विल बी अनस्टॉपेबल। और मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अगर आपको ये बहुत ज़्यादा बेकार लग भी रहा है, इसका VFX ले लीजिए, जो भी लग लीजिए, अगर आपको लगता भी है तो इसका मजाक मत उड़ाइए, बिकॉज द एसोसिएशन ऑफ दिस मूवी इज़ विद द ग्रेट गॉड श्री राम। आप जो भी बोलना बोलना कि हम नहीं देख रहे हैं, हम इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, हम देखेंगे ही नहीं, वो एक्सेप्टेबल है। बट ये जो अभद्र भाषा जिसे बोलते हैं ना, स्टूपिड भाषा, स्टूपिड यूज ऑफ वर्ड्स, ये मत करिए, ठीक है। ये अगर आप ट्रू हिंदू हैं तो आप मत करिए, ना देखना आपके बस में वो आप मत करिए, लेकिन ये नेगेटिविटी और गलत भाषा का उपयोग कोई ऐसी मूवी के लिए जो आपके गॉड्स के साथ रिलेटेड है वो मत करिए। बाकी अगर हम बात करें, अजय देवगन के भी बहुत सारे फैंस हैं, वो मैदान जो मूवी है वो 23 जून को ही आएगी, क्योंकि अब जवान ने क्लियर कर दिया है कि वो जून के अंदर नहीं है, तो इसके लिए ठीक ठाक सा एक स्पेस बन जाता है कि 23 जून को आ जाए, क्योंकि उसके बाद जो मूवी है उसमें भी 1 हफ्ते का गैप है और उसका भी थोड़ा सा अनसर्टन लग रहा है। सत्य प्रेम की कथा जिसके अंदर आपको कार्तिक आर्यन देखने वाले हैं, 29 जून को ये आएगी। इसका टीजर ट्रेलर नहीं आया है, बट ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन के बहुत सारे फैंस अब हो चुके हैं, तो वो लोग इसको एक चांस तो फॉर श्योर देंगे। और पहला ओपनिंग भी मुझे लगता है डबल डिजिट में जरूर जाएगी इसकी, जैसे मैदान की भी जाएगी। ओ माई गॉड 2 जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली अब आपको OTT के ऊपर देखने को मिलेगी, और ये भी कहीं ना कहीं आपको जून में फिट होते भी कहीं ना कहीं नजर आएगी। रॉकी और प्रेम की, रॉकी और रानी की प्रेम था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको 20 जुलाई को देखने को मिलेगी 2023 में। जुलाई में और कोई मेजर रिलीज है भी नहीं। द ग्रेट इंडियन एस्केप आपको देखने को मिलेगा 23 अगस्त को एक्चुअली 2023 के अंदर। सबसे बड़ी जो रिलीज और सबसे बड़ा जो क्लैश होने वाला है वो है एनिमल का वर्सेस गदर 2। और जो भी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं गदर को, उसको कृपा करके ना करें। जो नई जनरेशन है शायद उसको पता नहीं है कि गदर जब आई थी तो उसने क्या गदर मचा दिया था, और अगर सेम सेंटिमेंट इस बारी भी इवोक हो गए देन स्काई इज द लिमिट। आई एम ऑल्सो नॉट अंडर एस्टिमेटिंग एनिमल, बिकॉज उसके अंदर स्टार कास्ट से लेके और जो उसके डायरेक्टर है दोनों ही बहुत बढ़िया है। इस मूवीज को आइडली क्लैश नहीं होना चाहिए था, बट अब ये क्लैश हो रही है तो कुछ कर नहीं सकते। 11th ऑफ अगस्त को ये रिलीज होगी और 15th ऑफ अगस्त को लगभग वैक्सीन वॉर भी रिलीज हो रही है, जिससे मुझे कोई खास ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। और मुझे वो 100% पता है कि वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वाली मूवी होगी, जिसने बनाई है उस पर ज़्यादा मुझे विश्वास अब रहा नहीं है, लेकिन वो भी 2023 में आएगी। ड्रीम गर्ल 2 25th ऑफ अगस्त को आएगी, उसके लिए भी भला अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एनिमल और गदर और उसके बाद वैक्सीन वॉर जैसी भी होगी, उसके बाद 10 दिन का गैप और हो जाएगा, तो जिसने जो चलना चलाना है वो चला जाएगा। हालांकि काफ़ी क्राउडेड स्पेस है अपने आप में भी। जवान की अगर हम बात करें तो वो फिर आपको 7 सितंबर को देखने को मिलेगी, जैसे कि अनाउंस हो ही चुका है, तो उसके लिए क्लीन स्लेट है। योद्धा जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है वो 15 सितंबर को आएगी। बहुत लाइकलीहुड है कि इसकी जल्दी न्यूज़ आ जाएगी, ये भी शिफ्ट हो जाएगी, जैसे कि फुकरे जो है वो रिलीज होनी थी 7th ऑफ सितंबर को, जो कि मूव होगी अब नवंबर के अंदर। सलहार की अगर बात करें तो सलहार जो है वो 28th ऑफ सितंबर को आएगी, तो यानी 2 से 3 हफ्ते का गैप होगा। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग 28 दिन लगे थे बहुत अच्छे तरीके से, जब पठान का रुझान आया था उसको 1000 करोड़ के आसपास पहुँचने के लिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जब बाहर भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया था, तो यहाँ पर उसके पास 3 हफ्ते का टाइम है, यानी 21 दिन कि ये बड़ा माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए। नीडलेस टू से अगर 700-800 करोड़ भी हो जाते हैं, 500-700 करोड़ भी हो जाते हैं, तब भी ये हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर तो है ही है, लेकिन एक ऐसे दिमाग में कि यार 1000 करोड़ हो जाए तो अच्छी बात है, वो थोड़ा सा इस डेट के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। वहीं अगर बात करें
सलार के बाद की क्या कुछ रिलीज हो रहा है, तो बवाल आपकी आएगी 6th of October को, जो मेरे ख्याल से एक हफ्ता दो हफ्ता डिले होगी, बट लेकिन फिर भी 6th of October अभी डेट है। उसके अलावा शाहिद कपूर और कृति सैनन की जो रोबोटिक वाली मूवी आ रही है, जिसके अंदर कृति सैनन जो है एक रोबो है और कैसे एक रोबो और इंसान का लव स्टोरी चलता है, वो होगी, काफ़ी इमोशनल होने वाली है स्टोरी। 13th of October को ये रिलीज होगी। फिर गणपत यानी टाइगर श्रॉफ की पार्ट वन रिलीज होगी 20th of October को। एक्शन धमाल होगा, सुपर डुपर तरीके का एक्शन होगा, इसके अंदर इमोशन भी डाले गए हैं, स्टोरी पे भी ध्यान दिया गया ऐसा बोला जा रहा है, तो होपफुली ये टाइगर श्रॉफ की वापसी करेगा, ही विल हैव एक्शन विद सम मीनिंग सो टू से। अब टाइगर की बात चल रही है तो फिर टाइगर 3 जो है वो सीधा आएगी फिर 10th of November को, तो अच्छा खासा 20 दिन का गैप है, दिवाली वाले दिन आएगी 10th November को, फिर अच्छा खासा गैप होने के बाद किसी दिसंबर में जाके आपको डंकी दिखने वाली है, जो कि 22 December को, जो 101% मैं आपको बता रहा हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा, जो भी SRK के फैंस हैं बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 महीना जो है वो डिले होगी होगी, ये नहीं आएगी दिसंबर में, या मान लो मेरी बात, अब नहीं मान रहे हो तो जब अनाउंसमेंट आएगी ऑफिशियली तो देख लेना। फाइटर जो है वो 25th of January को आएगी, तो टाइगर से फाइटर के बीच के अंदर थोड़ा सा फासला होगा, और जब 25 January को जब सेंटिमेंट्स देश के लिए हाई होते हैं तब फाइटर आपको आने को मिल जाएगी। जो मार्च का महीना है, फरवरी का महीना है, वो एग्जाम्स वाला महीना होता है, और मार्च के एंड होते होते के आसपास ऐसा एक हफ्ता बन रहा है जो कि लॉन्ग वीकेंड होगा होली वाला, जो कि एक आइडियल हो सकता है डंकी के लिए। वहीं बड़े मियां छोटे मियां जो है वो है 11th of April की ईद रिलीज, वो अनाउंस हो चुका है। इसके जो बिहाइंड द सीन आए हैं वो काफ़ी हाई ऑक्टेन एक्शन वाले और ये सब तरीके के आए हैं, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो कुछ भी ये लोग करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो इसका नाम है चाहे वो थोड़ा सा देसी लगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बट जो काम होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और अपबीट लग रहे हैं मुझे। बाकी किसी भी मूवी के बारे में और जानकारी लेनी है तो कमेंट करके नीचे बता देना, मैं फटाफट से आपको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो एक और नया वीडियो बना दूंगा।